आजकल जब भी मेरा फोन बजता है या मोबाइल की स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन सजता है तो मेरे मन में उम्मीद से पहले डर पनपता है। वो क्या है? अभी अभी ये नौजवान काबिल हुआ है, नौकरी की दौड़ में एक नया घोड़ा शामिल हुआ है। अपनी क्वालिफिकेशंस के साथ हजारों एप्लीकेशंस के बाद जब जब मेरे हाथ रिजेक्शन लेटर आता है तो इस देश की बढ़ती बेरोजगारी को मानो सर्टिफिकेशन मिल जाता है। डिग्रीज हो चार लेकिन हर बार अंडरपेड या अंडरक्वालिफाइड, नो रिस्पांस टू योर एप्लीकेशन इज कंप्लीटली जस्टिफाइड। भारत में 3 करोड़ से भी ज्यादा युवा बेरोजगार है, मगर वोट्स और नोट्स के आगे अब कहां सोचती सरकार है। जैसे जन्म से ही कुछ आंखों से सपने देखने का हक छीन लिया जाता है, कुछ लबों पर सवाल तो होते हैं मगर उन्हें पूछने का हक नहीं दिया जाता है, उनके हाथों से किस्मत की रेखा मिटाकर मजदूरी का घाव दे दिया जाता है और 3 करोड़ की संख्या का मोल पहले अंक को हटाकर किया जाता है। माना हमाना स्कीम्स तो लागू हुई है, बहुत सारी उनमें से नहीं है, लेकिन नौकरी एक ऐसा चक्का है जहां मुश्किल से लगता धक्का है। मंदी की हवा से गेहूं मिट्टी में मिल जाता है, फिर भी जो कोई रह जाए वो पूरा ही पिस जाता है। हर सेवा उद्योग में घोटाला ही घोटाला है, धन ही जीवन है जनाब, अब क्या सफेद क्या काला है। शहरों में जैसे तैसे कर बिजली का बिल सब भरते हैं और खेतों में फसलों के साथ किसान आज भी मरते हैं। जिए तो जिए 9 से 5, फिरते बेकार क्या मतलब है। भिन सिक्कों के झनके जो जेबे, उस झनकार का क्या मतलब है। सर पर जो रात में छत हो तो सपनों का रोना शांत करो, क्योंकि दुनिया का नियम ऐसा है, हर आस का मतलब पैसा है। लेकिन लेकिन मेरे अंदर एक कलाकार भी रहता है, यही सही मौका है, वो बेरोजगार से कहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कला को कायम किया जाए, अब अगला कदम कलम के नाम लिया जाए। लेकिन आज भी जब भी बजती है फोन की घंटी या दरवाजे पर कोई आता है, हमसे नाम पता क्या करते हो ये कोई पूछ जाता है, तो नहीं कह पाते कि बस तालिए हम तैयार आए थे बंबई बनने कवि और कथाकार, तो लिख देते हैं हर फॉर्म के खाली बक्से में, हाँ हम हैं बेरोजगार।